इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है। मनी मार्केट आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज एज अ मीन फॉर बोरिंग एंड लैंडिंग इन द शॉर्ट टर्म यूजुअली फॉर अ एसेट बीइंग हेल्ड फॉर अप टू अ ईयर। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री और रनिंग बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। शॉर्ट टर्म से मुराद मतलब एक साल के लिए, एक साल से पहले पहले वो उधार कर देंगे। उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार में चाहिए तो वो मनी मार्केट से ले सकते हैं। मनी मार्केट में सिर्फ शॉर्ट टर्म के एक साल के अंदर अंदर पैसे का लेन देन होता है। और अगर मनी मार्केट में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मनी मार्केट में सेविंग, मनी मार्केट और सेविंग अकाउंट सेम है, बस इनमें एक डिफरेंस है। मनी मार्केट में जो है रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है और इसमें मिनिमम बैलेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। आगे है कैपिटल मार्केट। कन्वर्सली कैपिटल मार्केट आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म एसेट विच आर दोज विद मैच्योरिटी ऑफ अ ग्रेटर देन वन ईयर। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। कैपिटल मार्केट में भी गवर्नमेंट या कॉरपोरेट को लोन चाहिए, उधार चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब एक साल से ज़्यादा। इसमें कैपिटल मार्केट में एक साल से ज़्यादा जो लॉन्ग पीरियड के लिए उधार दिया जाता है या लिया जाता है वो कैपिटल मार्केट में होता है। तो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को एक साल से या एक साल के से ज़्यादा उधार चाहिए तो वो आ जाएगा कैपिटल मार्केट में। जैसे बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ये कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको कैपिटल और मनी मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।